हम डिस्कस कर रहे हैं अदर एप्लीकेशंस में, कि जैसे कि हम बात करते हैं, मान लेते हैं अगर कैलकुलेटर ही स्टार रन करना, मतलब कि एक्सेल के थ्रू हम किसी अदर प्रोग्राम को कैसे रन कर सकते हैं। अगर कोई पर्टिकुलर फाइल वगैरह ओपन करना हो तो आप हाइपरलिंक का इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन मैं बात करता हूँ एक पर्टिकुलर एप्लीकेशंस की, मतलब कि किसी सॉफ्टवेयर को ओपन करने, कुछ भी सॉफ्टवेयर हो सकता है। तो एग्जाम्पल के लिए हम बात करते हैं कैलसी का, ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहां पे हम देते हैं, हम यहां पे देते हैं डिम पी एज ए स्ट्रिंग, एक प्रोग्राम भी देते हैं और एक आईडी, डिम आईडी एज ए हम दे देते हैं उसको डबल, क्योंकि डेसिमल्स होता है। उसके बाद हम क्या करते हैं, p इक्वल टू, जैसे मुझे कैलसी ओपन करना है तो यहां लिखेंगे सी एल सी डॉट ई एक्स, और फिर आईडी इक्वल टू, हमें यहां पे चलाना है सेल कमांड SELL सेल, और इसके अंदर में हम p प्रोग्राम दे देते हैं, और यहां पे हमें वन देना पड़ता है, मतलब कि नॉर्मल एंड फोकस, वन इट मीन्स नॉर्मल एंड फोकस, ठीक है। अब मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि हमारा कैलकुलेटर खुल गया है। कैलकुलेटर क्यों? क्योंकि हमने यहाँ पे कैलसी डॉट ई एक्स किया। लेकिन मान लीजिए मुझे एम एस पेंट ओपन करना है, तो यहाँ पे एम एस पी ए आई एन टी पेंट रन कीजिए, पेन ओपन हो गया। ऐसे मुझे अगर एमएस वर्ड ओपन करना है तो यहां पे लिखेंगे वो वीन वर्ड, वीन वर्ड, जैसे कि आप कंट्रोल आर करके, मतलब कि सॉरी, आप जो रन कमांड में जो डालते हो और रन कमांड में जो डालने से जो ओपन होता है वो चीज आपको यहां पे देना है, वीन वर्ड, तो ये आपका एमएस वर्ड खुल गया आ जाएगा और फोकस भी रहेगा, समझ गए। तो एक तो आपका हो गया कि आप किसी पर्टिकुलर प्रोग्राम को कैसे ओपन करेंगे, राइट। अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक वगैरह रखोगे तो ये आपको जो है एरर देगा। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? तो एक कमांड तो आपका ये हो गया, लेकिन मुझे क्या है कि मान लीजिए मैंने यहां पे कैलसी दे दिया, कैलसी कैलसी डॉट ई एक्स, तो जितना बार मैं रन करता हूं उतना कैलसी ओपन हो रहा है। देखा, हमने 3 बार रन किया तो यहां देखिए 3 कैलकुलेटर ओपन हो गया। अब यहां पे एक चीज ये करना है कि मैं चाहता हूं कि अगर पहले से कैलकुलेटर ओपन है, पहले से अगर कैलकुलेटर ओपन है तो ठीक है, अगर पहले से कैलकुलेटर ओपन नहीं, अगर पहले से ओपन नहीं है तो ओपन करें, अगर फर्स्ट टाइम हम ओपन कर रहे हैं तो ओपन कर दे, अगर ऑलरेडी ओपन है तो उसको एक्टिवेट कर। तो चलिए उसके लिए हम यहां पर प्रोग्राम करते हैं, सब्जेक्ट एक्टिव है ओपन क्लोज, और सेम यहां पे हम दो वेरिएबल डिक्लेयर करेंगे, हम डिक्लेयर कर लिया, कॉपी करके ला रहे, उसके बाद हम यहाँ पे देंगे तो जी, वो क्या बोल रहे, हाँ ऑन एरर विदू नेक्स्ट, इतना जरूरी है। और सबसे पहले हम यहां कहेंगे एक कोड होता है ऐप एक्टिवेट, ऐप एक्टिवेट
और इसके बाद आप यहाँ पे इसको टाइटल दे दीजिए, जो आपका टाइटल है कैलकुलेटर है, तो मैं यहाँ पे कैलकुलेटर हमने डाल दिया। अब प्रॉब्लम क्या होगा कि अगर पहले से ओपन होगा कैलकुलेटर तो ये यहाँ पे एक्टिवेट कर देगा, लेकिन कैलकुलेटर अगर ओपन नहीं होगा तो एरर देगा, तो ऑन एरर ईआर फॉर्मूला पे एक नंबर स्टोर कर देगा। फिर यहां पे देंगे कि इफ ईआर इज नॉट इक्वल टू जीरो, यहां हो जाएगा हमारा कि आईडी इक्वल टू सेल कमांड, यहां पे पी कॉमा वन फॉर नॉर्मल एंड फोकस। इसमें आया सर आईडी इक्वल टू सेल पी वन क्या है? बेसिकली सेल प्रोग्राम जो है ना, इसको परफॉर्म करने के बाद एक पर्टिकुलर नंबर स्टोर कर दी, क्योंकि सेल जो है इट इज द फंक्शन, और फंक्शन को कहीं भी बर्न करने के लिए हमें एक वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है, इसलिए हमने आइडिया दी। ठीक है सर, हेलो हेलो में इसमें मैं स्क्रीन सही दिख नहीं रहा आपको, ये ब्रेक विक तो नहीं हो रहा ना? नहीं सर, ओके। थोड़ा सा नेटवर्क स्लो है बारिश के कारण। अब बात करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, ये तो आपके कैलकुलेटर के लिए आपने कैलकुलेटर लिख दिया, लेकिन अगर आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड हो तो एमएस ऑफिस की एप्लीकेशन को कैसे एक करोगे, मतलब कि एक्टिवेट करो, तो यहां पे चलिए कोड आपको लिखते हैं। सब्जेक्ट डब्ल्यू आर डी वर्ड ब्रैकेट ओपन एंड क्लोज, और यहां पे होगा एप्लीकेशन डॉट एक्टिव माइक्रोसॉफ्ट एक्टिव माइक्रोसॉफ्ट ऐप स्पेस, यहां पे मैंने बोल दिया माइक्रोसॉफ्ट वर्ड। तो आपका ये माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खुल के आ जाए, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोलना है, माइक्रोसॉफ्ट जो भी खोलना है माइक्रोसॉफ्ट का फीचर्स, तो माइक्रोसॉफ्ट के लिए भी आपके पास स्पेशल कमांड है, उस स्पेशल कमांड को आप इस्तेमाल कर सकते हो। समझ गए? लेकिन बहुत सारे लोग कहते हैं क्या हम कंट्रोल पैनल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं एक्सेल के थ्रू, क्या हम कंट्रोल पैनल के साथ छेड़छाड़ कर सकते हैं? तो कई बार मैं किया हूं, कई बार मुझसे एरर भी आ गया है, तो चलिए आज आपके साथ हम कंट्रोल पैनल के जरिए एक डेट एंड टाइम को छेड़खाने करने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर हम लिखते हैं डिम आर एज ए स्ट्रिंग, उसके बाद डिम आईडी एज ए डबल, आईडी एज ए डबल, और हम यहां पे करते हैं आर इक्वल टू
हम लिखते हैं run, r u r u n run, d l l 32.exe space cell 32.dll यहाँ पे कॉमा हो जाएगा, कॉमा कंट्रोल कंट्रोल अंडर यू रन dll, उसके बाद टाइम डेट डॉट cpm और यहां पे हम करते हैं id इक्वल टू सेल और सेल के अंदर में a सॉरी r लिख देते हैं। अब देखते हैं इसको रन करके होता है कुछ। फाइल नॉट फाउंड, स्पेलिंग मिस्टेक है आपका ऊपर। स्पेलिंग मिस्टेक देख लेता हूँ। रन ए आर यू रन आर रन रन की स्पेलिंग मिस्टेक है। मिसिंग एंट्री कंट्रोल रन डीएलएल CONTRO control underscore R U and run dll. इसमें कभी प्रॉब्लम होती है, कभी प्रॉब्लम में कभी किसी सिस्टम पे हो जाता है, किसी सिस्टम पे नहीं होता है। एक बार आप ट्राई कीजिएगा, ठीक है? अरे विंडोज के वर्जन के ऊपर डिपेंड करेगा ना। हाँ, विंडो के बदली के ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है, इसको एक बार ट्राई करके देखिएगा। इसमें इसकी जो होती है ना रेफरेंसेस वगैरह की प्रॉब्लम होती है सर, तो रेफरेंसेस वगैरह लेके आना पड़ता है। तो आप एक बार ट्राई करके देखिएगा, क्योंकि इसमें वही है कि ये सेल कंट्रोल जा रहा है, कंट्रोल ये जो ना कंट्रोल अंडरस्कोर रन डीएलए, इसी में प्रॉब्लम लग रहा है कि इसमें प्रॉब्लम हो। ठीक है सर, ठीक है, इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि सेल 32.dll ही लगा है कि नहीं है मेरे सिस्टम पे, इसी मामला लगा है। रन कमांड ऑन करेगा। हाँ, आप एक बार देखिए अपने पास, फिर मैं कुछ और तरीका बताऊंगा इससे। अब हम ये हो गया, समझ गए? तो किसी पर्टिकुलर एप्लीकेशंस को कैसे हैंडल करोगे ये समझ में आ गया, और डायरेक्टरी को हैंडल करना तो मैंने पहले ही सिखा रखा था आपको, जैसे कि dir फंक्शन के जरिए हम लिस्ट निकालते हैं, mkdir के जरिए हम डायरेक्टरी बनाते हैं, किल के जरिए हम डिलीट करते हैं, उसके बाद कॉपी के जरिए हम कॉपी करते हैं, नेम के जरिए रीनेम करते हैं, चीज हम डिस्कस कर चुके थे। ठीक है, अब एक चीज और है कि जब भी आप अदर एप्लीकेशन के हैंडल जैसे कि वर्ड एक्सेल का इस्तेमाल आप करते हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि इसमें दो चीजें होती है कि एक तो है कि आप यहाँ डायरेक्ट मतलब क्रिएट ऑब्जेक्ट के जरिए करते हैं या एक डायरेक्ट डायरेक्ट इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक हम क्रिएट ऑब्जेक्ट के जरिए इस्तेमाल करते हैं और एक दूसरा
डायरेक्ट इस्तेमाल उसका करते हैं। जैसे कि हम यहाँ पे सब्जेक्ट देते हैं आरआर ब्रैकेट ओपन, एक होता है कि यहाँ पे हम लिखते हैं कि डिम, हमने लिखा डब्लू डब्ल्यू एज ए न्यू वर्ड, और यहाँ पे देख रहे हैं वर्ड नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा ना वर्ड डॉट एप्लीकेशन नहीं आ रहा। तो अगर आप डायरेक्ट इस्तेमाल करना चाहते हो तो उस केस में यहाँ रेफरेंसेस में आने के बाद, रेफरेंसेस में यहाँ आपके पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का ये उठाना, लाइब्रेरी उठाना पड़ेगा। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ठीक है ना, इसकी लाइब्रेरी को आप ओके कनेक्ट कर दीजिए। तो कनेक्ट करने के बाद आप देखिए क्या होगा, हमने कर दिया डिम डब्ल्यू एज ए न्यू न्यू, अब यहां देखिए वर्ड आ गया डॉट एप्लीकेशन, वर्ड डॉट एप्लीकेशन ठीक है। तो इसे क्या हुआ कि आपका एप्लीकेशन रन होगा, आपका एप्लीकेशन रन होगा, एक तरीका ये है। दूसरा तरीका, लेकिन इस तरीका में क्या है कि अगर आप किसी को देते हैं, किसी को अगर आप उसको देते हैं तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगा कि प्रॉब्लम ये होगा कि आपका हर किसी को यहाँ रन में जाके उस लाइब्रेरी को ओपन करना, लेकिन आप चाहते हो कि हर के पीसी पे चल जाए तो फिर हम फिर अदर ऑब्जेक्ट के लिए क्रिएट ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल करना होता है, सिर्फ वर्ड के लिए नहीं है, हर किसी के लिए। जैसे डिम हमने दिया डब्ल्यू एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर हमने किया सेट डब्ल्यू इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट, और इसमें हमने दे दिया वर्ड डॉट एप्लीकेशन, वर्ड डॉट एप्लीकेशन। तो जो काम ए कर रहा है ऊपर वाला लाइन, वही काम यहां आपका नीचे भी कर रहा है। अब मान लीजिए कि वर्जन्स है, जैसे आपके सिस्टम में 7 भी है, 10 भी है, 13 भी है, 14 भी है, तो यहाँ पे डॉट 11 डॉट 13 डॉट 14 इस तरह से इसका वर्जन आप डाल सकते हैं। वर्जन के लिए आप जो है इसमें देख लीजिएगा इसकी प्रोग्राम फाइल में, तो आपको मिल जाएगा। तो ऑब्जेक्ट को किसी अदर ऑब्जेक्ट को हैंडल करने के लिए, ऑब्जेक्ट की कनेक्टिविटी के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, जो कि हमने आपको बताया। Yes, sir. अब एक इसका एक सिंपल एग्जांपल मैं आपको दे देते हैं। देखिए मुझे पता करना है कि मेरे सिस्टम में कौन सा वर्ड का एप्लीकेशन डिफॉल्ट है, एमएस वर्ड का। चलिए देखते हैं, तो हमने ब्रैकेट ओपन किया और इसमें हमने कर दिया कि डिम डब्लू एज ए ऑब्जेक्ट, और फिर हमने सेट किया सेट w इक्वल टू क्रिएट ऑब्जेक्ट ब्रैकेट ओपन, और यहां आ जाएगा वर्ड डॉट एप्लीकेशन, वर्ड डॉट एप्लीकेशन। अब मैं यहां पे करता हूं मैसेज बॉक्स में msg बॉक्स, बॉक्स में करता हूं कि w डॉट वर्जन,
वर्जन। तो ये जो मेथड मैंने यहाँ दिया है ना, ये मेथड के जरिए भी हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, राइट। लेकिन वही है कि हर बार सेट करना पड़ेगा। और फिर मैं W को बंद कर देता हूँ डॉट क्विट, और फिर वापस हम करते हैं सेट W इक्वल टू नथिंग, कुछ नहीं, वापस खाली कर देते। तो एक तरीका होता है कि आप क्रिएट कीजिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, फिर क्लोज कीजिए एंड वापस ऑब्जेक्ट को खाली कर दीजिए। देखिए, सॉरी, एक नाम को दो फाइल मिल सकते हैं। तो आप देखिए कि वर्ड की कोई फाइल खुली तो नहीं, वर्ड की कोई वर्ड तो दिखाई नहीं। तो दिखाई इसलिए नहीं क्योंकि हमने विजुअल नहीं किया हुआ। तो अगर मैं यहां लिखूं कि W डॉट, लिखना जरूरी है तभी आपको विजुअल होगा, चाहे कोई भी एप्लीकेशन क्यों ना हो, विजुअल इक्वल टू ट्रू तभी जाके वो एक्टिवेट होगा। आप देखिए, आपके नीचे साइड में एमएस वर्ड की एप्लीकेशन खुलेगी और विजुअल होगा। खुला ना सर? देखिए, एमएस वर्ड है, ठीक है, देखिए क्विट हो गया, तो विजुअल खुल गया। देखिए, लेकिन ये क्या कर रहा है, जस्ट एक एप्लीकेशन को खोल रहा है, ठीक है। किसको खोल रहा है? एप्लीकेशन को, एक नई फाइल को नहीं खोलता, एक्सेल की फाइल को नहीं खोलता। बात समझे? तो वर्ड की एक डॉक्यूमेंट को ओपन नहीं करता। तो वर्ड की डॉक्यूमेंट कैसे ओपन होगी? अगर मैं क्विट हटा दूं, मान लीजिए क्विट हटा देता हूं, इसको वर्जन दे रहा है। तो इसके लिए हमें लिखना पड़ेगा कि विथ W डॉट डॉक्यूमेंट DOQUMNT डॉक्यूमेंट्स डॉट ऐड। अब क्या होगा कि एक एमएस वर्ड खुलेगी, एक मिनट, आई एम श्योर, पर ये मैंने बीच लगाई, से बीच लगाने की जरूरत नहीं है, जब दो तीन चीज करना होगा तो बीच लगा, यहाँ पे बिट लगाने की जरूरत नहीं। एमएस वर्ड खुला और एक नई फाइल, इससे पहले जो खुली थी और दस एप्लीकेशन खुला था, कोई फाइल नहीं खुली थी, बट यहाँ पे जो आप देख रहे हैं एक वर्ड की फाइल, ठीक है। एक कोड में आपको मैसेज मेल कर देता हूं, अभी मैंने आपको जस्ट वर्ड की एक सिंपल क्या बोलते हैं प्रैक्टिस सिखाई, कल हम आपको एक्सेल से डेटा उठा के वर्ड पे कैसे ले जाएंगे वन बाय वन, वो बनाना सिखाएंगे। और आप अपने बुक का पेज नंबर 670 से लेके आगे पढ़ेंगे तो आपको अदर एप्लीकेशन हैंडलिंग वाली टॉपिक मिल जाएगा, ठीक है सर। ये फाइल मैं आप लोगों को मेल कर देता हूँ, सॉरी कोड मेल कर देता हूँ, फिर नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे जहां हम आपको एक्सेल वीवी के जरिए वर्ड की कनेक्टिविटी